हेलो। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। जी, आ जाइए। आज मुझे लग रहा है कि कम लोग आएंगे मैच की वजह से। सही लग रहा है मुझे? हेलो। यस सर। होस्ट नहीं बना हूँ। चलिए, कल जैसे कि मैंने बताया था, तो अभी चलो अभी 5 बजे हैं, बनाइए सर होस्ट मुझे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको सारा का सारा मैंने आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन कंप्लीट कर दिया था। आज हमें करने हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन करने के पहले कोई भी डाउट है पूछिए। गुड इवनिंग जानवी। कोई भी डाउट है जल्दी से पूछिए, क्योंकि सुनिए ना, से मैंने आपको अपने बारे में बताया था ना कि एक बार मैंने क्वेश्चन दे दिया तो फिर मुझे कुछ पता होता है क्या? हेलो हेलो। यस सर। क्वेश्चन देने के बाद मुझे कुछ पता होता है क्या? नो सर। मुझे सिर्फ दो चीजें पता होती हैं, पाप है या नहीं, बाकी कुछ भी नहीं पता होता है। तो जल्दी से पूछिए, कोई भी डाउट है तो। है किसी को कोई डाउट? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हेलो। सर। नो सर। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैंने आपको क्या बोला था कि अब मैं आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चन देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड नोटेशन बिग ओ ओमेगा थीटा थे, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड हमारे स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा थे, मतलब उसके भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर। क्लियर यस है? सर। और मैं आपको आपके फेवरेट क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? शुरुआत हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से करेंगे। फिर सुनिएगा, से क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि दो आपको फंक्शन दे दिया गया, दोनों के बीच में रिलेशन बताना होगा। क्लियर है? कल जो फालतू यस क्वेश्चन करा सर। रहा था, एफ एन पिको जी एन है, ओमेगा जी एन है, थीटा है, या कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर? और क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि आपको फंक्शंस दे दिए गए, बोला गया उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। अरेंज करना। क्लियर है यस ना? सर। तो यस सबसे सर। पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से। तो मैंने आपको सबसे पहले तो कल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करने की अप्रोच बता दी थी। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी आपकी? पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच? हेलो हेलो। और साथ में रीजनिंग भी देना है, क्या रीजनिंग भी देना है साथ में, अगर ट्रू है तो। क्यों? रीजनिंग तो देना है, लेकिन सबसे पहले तो आंसर कैसे निकालो? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करने की आपकी अप्रोच क्या होगी? नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच। सुनिए ध्यान से, आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को फॉल्स बनाने की कोशिश करोगे। क्यों? एग्जांपल से क्या चीजें आप ट्रू कर सकते हो? जल्दी जल्दी बोलो। नो नो, सर। बट टू डिस्प्रूव, बट टू डिस्प्रूव, वन एग्जांपल इज मोर देन सफिशियंट। यस सर। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी अप्रोच क्या होगी? नेगेटिव अप्रोच। आप कोशिश करोगे स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने की। उसके लिए आपको एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना होगा। नाउ अगर आप स्टेटमेंट को फॉल्स कर लेते हो तो वो हो जाएगा फॉल्स, नहीं तो क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर है? यस सर। लास्ट टाइम फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अपना नाम बोलो जल्दी से। राहुल राहुल। मैं राहुल को देख के क्या ये बोल सकता हूँ ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेल? नहीं, लेकिन राहुल को देख के मैं ये जरूर बोल सकता सर। हूँ ऑल ह्यूमन बीइंग आर फीमेल। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? एग्जांपल से हम प्रूव नहीं कर सकते। वन एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट। एक सेकंड जी। हाँ सर, बन गया होस्ट। किसका? सर ये लूंगा कैसे मैं, मतलब फोटो ले लूं? ठीक है ठीक है ठीक है सर, ले लूंगा। बस मतलब पार्टिसिपेंट की फोटो लेनी है ना? पार्टिसिपेंट और दूसरा क्या बता रहे हो आप? स्क्रीन मतलब पढ़ाते हुए?
हाँ 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 ठीक 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 ओके सर ओके चलिए। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ तो मैथ के चक्कर में। अरे ये माइक बंद कर लो। हेलो कौन है? हेलो देखो ये सब करोगे तो मुझे फोर्सफुली म्यूट ही करना पड़ेगा आपको ना। अब सुनिए ध्यान से, नहीं है ना किसी को कोई डाउट, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, अरे जितने लोग के बैकग्राउंड में आवाजें नहीं आ रही हैं वो अपने माइक ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर यस सर, ब्लैक बैकग्राउंड कर दी। ठीक है, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। सुनिए ध्यान से, आंसर भूल के भी मुझे ये बताओ जरा, मैं जब तक मैं जेंडर नहीं पूछता हूँ आप जेंडर बताते हो क्या? नो सर। का मतलब क्या है? जब तक मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछूंगा कोई मुझे आंसर नहीं बताएगा। सुनिए ध्यान से, सिंसियरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आंसर जूम पे मत लिखिएगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपकी स्ट्रेंथ जितनी भी है मैं बल्क में क्वेश्चन देने वाला हूँ, इतने सारे आंसर तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, आपको अटेम्प्ट करने के लिए वो टाइम दे रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद में मैं जब आपसे आंसर पूछूंगा तब आंसर देना, अभी भूल के भी आंसर मत देना। क्लियर? यस सर। चलिए लिखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स, लिखते जाइए, मैं बोलते बोलते लिख रहा हूँ। 100 log n is big O of n log n divided by 100। फिर बोलते बोलते क्या ये दिखाई दे रहा है ना, समझ? अब तो मेरी राइटिंग क्लियर होने लगी होगी। Yes, चलिए क्वेश्चन लिखते आइए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। ये बता दिए, एट ए टाइम कितने कितने क्वेश्चन करें हम? बोलिए। 10 सर, 10। 10 क्या है? n plus k power m is order of n power m where m and k are positive constants। देखो ज्यादा छोटा हो गया, विजिबल है अभी सबको? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। और एक चीज और बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जब आप आंसर करना ना तो केवल उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, कोशिश करना कि वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो, मतलब आप उसका पोस्टमार्टम करना। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बिगो लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगर ओमेगा होता तो थीटा होता तो मतलब रियलिटी में क्या होगा। क्लियर है ना? ओके सर। और क्वेश्चन करने के लिए हिंट दे देता हूं, हिंट अच्छी होती है कि नहीं? हेलो चल रहा है? यस सर, तीनों चल रहे हैं। यूज कर सकते हो? अरे इन सब मामलों में बहुत लीनियंट हूं मैं। देखो कभी भी ऐसा होता है मुझसे हिंट मांगो मैं मना करूं,
सुनिए ना से क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 समझ में आ रहा है. 8th क्या है fn is big of fn square, 9th क्या है ओमेगा कर दिया मैंने, फिर थीटा कर दिया मैंने, फिर स्मॉल ओ कर दिया मैंने, फिर स्मॉल ओमेगा कर दिया मैंने. क्लियर? ठीक है. चलो एक काम करो ये 12 क्वेश्चन करो. कितनी देर का टाइम दे दूं बस ये बता दीजिए मुझे. हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी. हेलो सर. यस सर. कितनी देर का टाइम दे दूं? अब आप बोल ही नहीं रहे हो फिर मैं नए क्वेश्चन लिख दूंगा. 5 मिनट? हाँ सर. चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिंसियरली अटेम्प्ट करिए. गाइज आप सिंसियरली अटेम्प्ट करिए, ये बस मैं लिख रहा हूँ ठीक है, अभी आपको ये अटेम्प्ट नहीं करने है हमें 12.
सुनिए गाइस, जैसे किसी के अटेम्प्ट हो जाए मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 भी करेंगे हम एक गो में, ये बाद में करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जब आप पाप, ऑब्वियसली आप पाप करने वाले हो कि नहीं। एक सेकंड, एक चीज सुन लीजिए, मैटर नहीं करता आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको अटेम्प्ट करना है। अगर एल्गोरिथम पे कमांड चाहते हो, एल्गोरिथम के साथ खेलना चाहते हो, तो बस मैं इतना बोलूंगा अटेम्प्ट करते जाइए, मैटर नहीं करता सही आ रहा है गलत आ रहा है, बस अटेम्प्ट करो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। क्लियर? जी सर। करिए अटेम्प्ट। यस सर। यस सर, हो गए। हो गए? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। वॉइस आ रही। हेलो। यस सर, वॉइस। यस सर। हाँ, हो गए सही? यस सर। हाँ सर, हो गए। चलिए देखिए रतन से, अब मैं आपको अब कर रहा हूँ सिंसियरली, अब मैं जब पूछूं तब मुझे आंसर बताइएगा। नाउ सुनिए रतन से, फिर से बोल रहा हूँ, चीजों को किस तरह क्लियर वे में करना है, ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन में मैं एक ही चीज पूछ सकता हूँ, बिगो ओमेगा थीटा एंड सो ऑन, लेकिन हम इनका आंसर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम देखेंगे रियलिटी में वो था क्या। नाउ बताइए, फर्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सारे के सारे लोग अपने माइक ऑन कर लिए जिनके बैकग्राउंड में वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर है? मैं तो उधर चली गई, मैं गाने बजा रहा हूं। यस सर। हेलो।
वो सारे लोग अपने माइक ऑन कर लिए, इनके बैकग्राउंड में वॉइस नहीं आ रही है। और दूसरी चीज, थैंक यू सो मच गाइज, मुझे लगा नहीं था कि आज मैच में आपकी इतनी स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब नॉर्मली आप 50 प्लस पार्टिसिपेंट होते हो, आज भी उतने ही हो। दैट मींस मुझे लगता है कि अब आप सिंसियर हो। गलत लगता है मुझे? सही लगता है सर। सही लग रहा है सर। आप वेरी वेरी गुड। नाउ सिंपल सी, हां, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू मैं जान से कह सकता हूं क्या ये ओमेगा है? अगर इधर पे ओमेगा होता तो ट्रू, थीटा होता तो ट्रू। नहीं, मतलब देखिए जान से 100 हमारा कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं। ये 100 हमारा कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं। एन लॉग एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू लॉग एन। जो चीज इक्वल है वो लेस देन इक्वल टू तो होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। मतलब थीटा भी होगा, ओमेगा भी होगा, बिगो भी होगा। यस सर। नाउ सेकंड वन बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एन इज बिग ओ ऑफ लॉग लॉग एन। ट्रू और फॉल्स? False. लॉग लॉग इन स्पीड में वैल्यू डिक्रीज, लॉग इन लॉग इन सेम। अब इधर पे क्या लॉग किया जा रहा है, जबकि इधर पे क्या स्क्वायर रूट? बहुत ज्यादा छोटा होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्योंकि लॉग करता क्या, पावर को कोफिशिएंट बना देता है। यस सर। तो ये क्या होगा हमारा? फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 वेरी गुड। x क्या है? ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन y है, तो n टू द पावर x एसिम्प्टोटिकली लेस देन n टू द पावर y होगा। ट्रू। अगर मैं ओमेगा कर दूं तो फॉल्स, थीटा कर दूं तो फॉल्स। फॉल्स क्योंकि फॉल्स है। क्लियर है? यस सर। लेस देन इक्वल टू, लेकिन कैसा? मैथमेटिकली ये एसिम्प्टोटिकली asymptotically मतलब ignoring the constant आ ही नहीं रहा है। yes sir। yes sir। that's a very very good। हाँ, 2 to the power n is not big of n to the power c where c is a constant greater than 0। true or false? true। very very good। क्यों? देखिए रदान से, अरे देखो शिवांश माइक वर्क नहीं कर रहा है। नहीं, अरे चलो कोई बात नहीं शिवांश, लेकिन कोशिश करो। अरे ईयरफोन तो एक ले ही सकते हो। देखो यार ध्यान से, मैंने आपको अभी डायरेक्टली बताया था, मैंने क्या बोला था? देखो मेरे साथ इश्यू है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रखूंगा ना बेटा, उसी इंस्टेंट पे फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर में ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं? यस सर। बेटर नाम क्या है आपका? रौनक। हाँ रौनक, आएगी आएगी, टेंशन ना लो। जब तक शर्म नहीं आ जाएगी तब तक मैं क्वेश्चन स्विच नहीं करूंगा। जब मैं पूछूं शर्म आ गई तो बताना कि आई कि नहीं आई। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए जानते हैं, 2 पावर n क्या है रौनक? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इज नॉट बिग ऑफ n टू द पावर c, और c अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं? yes, हाँ, sir, yes, क्या बोला है? एक्सपोनेंशियल इज नॉट बिग ऑफ पॉलिनोमियल। यस ट्रू, इट इज ग्रेटर देन पॉलिनोमियल। हेलो। यस सर। अब सुनिए जान से रौनक, आपने बोला अगर सी की वैल्यू एन को अप्रोच कर गई, शर्म नहीं आ रही, सी हमारा कांस्टेंट है और एन तो हमारा फंक्शन है। क्या बोला था? एन क्या होता है? स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन नॉट होता है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन। मतलब एन क्या होगा? एन नॉट से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, सब कुछ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हेलो, अरे आप सी की वैल्यू ले लो, 10 करोड़ भी ले लो, तब भी एक एक वैल्यू आएगी एन की, जिसके बाद में ये हमेशा ग्रेटर होने लगेगा। यस सर। हाँ रौनक, आई कि नहीं? सर अभी किस तक क्लियर नहीं हो रहा। वो देखो ध्यान से, ये रौनक हमारा एक्सपोनेंशियल है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
जी सर कर दीजिए मिल जाएगा। सुनिए एकदम से, सुनो रौनक, जो हमारा 2 to the power n है ये हमारा एक्सपोनेंशियल है कि नहीं? यस सर। अब उसने क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल इज नॉट बिगो, क्या होता है लेस देन इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इज नॉट बिगो ऑफ मतलब लेस देन इक्वल टू पॉलीनोमियल, यस वो तो ग्रेटर होता है एक्सपोनेंशियल, क्या बताया था वेरी ह्यूज टाइम, हाँ सर ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है, तो उसने यही तो बोला कि नॉट लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन होगा। अच्छा सर, अब ओके सर समझ गया। अरे समझ के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, अरे अभी आई कि नहीं आई सर, वो नॉट इक्वल टू लगा था ना दोस्तों, जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था उधर कंपेयर करने, तो लो अच्छा देखो ध्यान से मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो ध्यान से समझ आया तो हो सकता है क्रिस्टल क्लियर आया हो सकता है ना आया हो, लेकिन जब चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी तभी तो शर्म आएगी, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो अब सुनिए ध्यान से, अब रौनक अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, अब देखो 100% हो जाएगा रौनक, स्टेट ट्रू और फॉल्स, या फिर रौनक नहीं सारे के सारे बोलो स्टेट ट्रू और फॉल्स, यू आर मेल और फीमेल और टेबल और चेयर, ना अब कहने का मतलब है, सुनिए एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, यू आर मेल और फीमेल और टेबल और चेयर, इसमें कोई भी डाउट, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या ये? नो, और गेट का आउटपुट कब होता है, कोई भी इनपुट बना जाए, एंड गेट का आउटपुट कब होता है, सारे के सारे इनपुट बनाने चाहिए। अब रौनक केवल आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना मुझे रौनक, सुनिए ध्यान से, यू आर फीमेल और यू आर फीमेल और प्लांट, क्यों, ना तो आप फीमेल हो ना ही आप प्लांट हो। यस सर। कहने का मतलब है और गेट का आउटपुट फॉल्स कब आएगा, दोनों ही इनपुट फॉल्स होने चाहिए। यस सर। अब ध्यान से देखिए बिगो होता क्या है, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, इधर लेस देन और इक्वल टू, हाँ सर। अब लेस देन इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या है, ना तो लेस देन है ना ही इक्वल टू है। यस सर। अब जब लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है इसका मतलब मेरे ख्याल में ग्रेटर देन है, को समझ नहीं आ रहा सर। यस सर, यही तो, यही ग्रेटर वाला ही तो हो गया था कंफ्यूजन इधर। अरे अब आई कि नहीं? हाँ सर आ गई। हाँ चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। वेरी वेरी गुड। सुनिए n प्लस k पावर m है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो n की मैक्सिमम वैल्यू, और k m और k क्या है हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो n मैक्सिमम n पावर m खुलेगा कि नहीं? यस सर। यस कह सकता हूं, बाकी सब तो छोटे होंगे और n स्क्वायर प्लस n क्यूब, n क्यूब। यस सर। यानी कि ये दोनों तो हमारे एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, और जो चीज इक्वल है वो तो लेस देन इक्वल टू होगी होगी। यस सर। मैं थीटा कर दूं तब भी ट्रू। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ट्रू। क्या होता है हमारा, कह सकता हूँ 2 power n का स्क्वायर, कह सकता हूँ 2 power n इंटू 2 power n। देखो ध्यान से, ये हमारा 2 power n into 2 power n, और आप कंपेयर कर रहे हो 2 power n के साथ, तो ये दोनों कैंसिल किए, यहाँ बचेगा 1, यानी कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। यस सर। कह सकता हूँ ये तो हमारा ओमेगा है ना कि बिगो है। यस सर। नहीं आ रहा सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट? ब्रो सुनो ध्यान से, मैंने 7 क्वेश्चंस किए, थोड़ी बहुत अप्रोच क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अरे टफ है क्या क्वेश्चन? यस सर। नो, सुनिए ध्यान से, आपने 12 तक ही अटेम्प्ट किए ना? यस सर। चलो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। हाथ जरा हाथ रेस करिए, फॉल्स वाले हाथ रेस करिए, और सुनिए ध्यान से, जिसका हाथ रेज नहीं मिला ऑब्वियसली उसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स का आंसर किसमें होगा, इधर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, कि कोई कह रहा है सर आधा की आधा एफ होगा। हेलो, अरे ट्रू फॉल्स का आंसर इधर ट्रू और फॉल्स होगा।
यस सर यस सर यस सर जल्दी से हाथ रेस करिए कितने लोगों ने आंसर फॉल्स दिया है हिमांशु रिशिता शांतनु वर्धमान सृष्टि प्रज्ञा एहसान अभय साक्षी हर्ष अरिका मनी अतिग अभिषेक एहसान फिर से आ गया अक्षरा चलिए वेरी वेरी गुड दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स अब फॉल्स है तो एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चलिए बताइए रहा एग्जाम्पल दीजिए मुझे मैंने बता दिए फॉल्स है बाकी सब लोग पाप जिसका आंसर ट्रू आ रहा था जैसे दो फंक्शन है एन और एन स्क्वायर क्या नाम है आपका रिशिता शर्म के लिए तैयार हो जाइए सुनिए ढंग से अरे अरे रुक जाओ FN into FN है ना अरे अरे अरे, अरे बेटा कंट्रोल 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 ओके सर मतलब शर्म नहीं आ रही सुनो ध्यान से मुझे नहीं पता आप कौन हो कौन नहीं लेकिन प्लीज बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग ठीक है ना अरे रुक जाओ अभी सुनो ध्यान से शर्म नहीं आ रही रिश्ता बुरा नहीं मान जाएगी कि सर मैंने पाप किया और मुझे शर्म भी नहीं आई क्यों रिश्ता यस सर तो सुनिए ध्यान से रिश्ता ध्यान से बताइएगा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेल False. False? अब सुनिए नहीं सुनिए रिश्ता फिर से बताइए ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फीमेल False. False? अब अगर मुझे इसको फॉल्स प्रूव करना है और रिश्ता मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या ये फॉल्स हो जाएगा Yes, sir. अरे क्या कर रहे हो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फीमेल अगर मुझे फॉल्स दिखाना तो मेल वाले में हाँ मेल दिखाना पड़ेगा Yes, sir. ध्यान से सुनिए मैंने आपसे पूछा एफ एन इज बिग ऑफ एफ एन स्क्वायर आपने बोला फॉल्स फिर आपने बोला एफ एन को सर एन ले लो एन इज बिग ऑफ एन स्क्वायर अरे एन तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है यस सर तो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो ट्रू वाला और स्टेटमेंट बोल रहे हो फॉल्स नो सर सर ये नहीं सर 1 बाय एन और 1 बाय एन वेरी वेरी गुड अगर एफ एन को ले लूं मैं 1 बाय एन तो एफ एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर एंड 1 बाय एन इज नॉट बिग ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर यस सर क्लियर है सबको यस सर यस सर कोई डाउट यस सर नो सर नो सर हाँ अब जो बीच में बोल रहा था बताइए कोई भी डाउट है तो हेलो हेलो अरे कुछ बोलना है सर एफ सर कॉमन है ना दोनों के बीच में एफ एन से एक एफ एन कैंसिल हो रहा है दोनों साइड बेटा हाँ चलो fn से fn कैंसिल हो रहा है ठीक है fn स्क्वायर क्या होता है fn into fn 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 कैंसिल किया यहां आ गया कांस्टेंट और यहां है fn अब सुनो ध्यान से अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बड़ा लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तब तो ये बड़ा यस सर यस सर तो वही तो रिश्ता ने एग्जांपल बताया तो सर इसका फिर आप वो डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ेगा सर क्या डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ेगा शर्म यारी fn क्या है सम फंक्शन ऑफ n अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो ट्रू होता लेकिन कुछ नहीं बोला है तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है मतलब फॉल्स चलिए सुनिए ध्यान से अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया अभी मैं आपको 9 नहीं बताऊंगा आपको पता है तो वेरी वेरी नाइस मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दूंगा कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे की नहीं हेलो तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 20 तक सिंसियरली अटेम्प्ट करिए फिर हम करते हैं इन क्वेश्चंस को क्लियर ओके सर चलिए सुनिए ध्यान से क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए टाइम देखो टाइम मत देखना मुझे एक चीज बताइए रहा स्पीड इंपॉर्टेंट होती है कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी पे समझ में आ रहा है ना मुझे ये बताइए स्पीड कैसे आती है हेलो प्रैक्टिस से नाउ सुनिए ना ये आपने बचपन से सुना है कि स्पीड कैसे आती है प्रैक्टिस से आती है लेकिन मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है मैं इसको बोलता हूँ पाप सुनो ध्यान से आप लोगों को कन्नड़ आती है नो सर कन्नड़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या आ जाएगी सुनिए ध्यान से स्पीड कभी भी प्रैक्टिस से नहीं आती है ऐसा हमें लगता है स्पीड प्रैक्टिस से आती है आपके कंसेप्ट क्लियर होने से समझ में आ रहा है
कहने का मतलब है अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए ना तो आप प्रैक्टिस करो चाहे ना करो आपकी एक्यूरेसी वो स्पीड आएगी आएगी. फॉर एग्जांपल सुनिए ना, अगर मैं आपसे पूछता 16+5 बोलिए आंसर 21. नाउ घर पे बैठ के क्या इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो क्या? नहीं सर. स्पीड कभी भी प्रैक्टिस से नहीं आती, स्पीड आती है कंसेप्ट से. आपको सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है क्योंकि हमारा माइंड हद से ज्यादा लेजी है, वो फालतू के क्वेश्चन में इरिटेट होता है इसीलिए बहुत स्पीड में आंसर देता है. कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू मी स्पीड कैसे आती है, इरिटेशन से आती है. ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन सुनकर आपको इरिटेशन हुई कि नहीं हुई? कोई कह रहा कि नहीं सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, किस बात की इरिटेशन? यही क्वेश्चन लिख करवाता हूं मैं, लो लो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करवाऊ ना. अरे शर्म यानी बोलो केवल आती है इरिटेशन से. और इरिटेशन कब होती है? एडिशन में आप कंफर्टेबल हो इसलिए इरिटेट हो रहे हो. क्लियर है ना? हेलो सर. से आपके कितने क्वेश्चंस हैं ये? 12 क्वेश्चंस हैं. 12 क्वेश्चन के लिए मैं आपको अराउंड 12 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ. बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करिएगा. हर क्वेश्चन में जो भी दिया है वो तो मैं पूछूंगा ही, साथ में हर कोई भी नोटेशन लगा के पूछूंगा. आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. क्लियर है ना? यस सर. करिए सिंसियर. Thank you.
हो गई? यस सर। सारी शुरू करूं? यस सर। यस सर। अरे मुझे सच से बताना, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं ना? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, स्टार्ट करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 करता हूं। चलिए बताइए रहा क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 सुनिए ध्यान से, आपको बताया था मैंने लॉक की प्रॉपर्टी, ये दोनों शिफ्ट कर जाती हैं। हां सर। मैं ओरली कर रहा हूं, अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, n टू द पावर log 16 बेस 4, और log 16 बेस 4 क्या होगा बोलिए? 2 n स्क्वायर। n स्क्वायर, अरे log 16 बेस 4 इज 2, तो यानी n स्क्वायर आ जाएगा। Yes, यहां से n स्क्वायर, देखिए ध्यान से, इन दोनों को शफल करोगे, n टू द पावर log 32 बेस 2, और log 32 बेस 2 क्या होता है? n स्क्वायर इनटू n पावर 5 इज थीटा ऑफ n पावर 7, ये भी तो n पावर 7 ही आया। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए बताइए रहा क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। False. N to the power log 64 base 8, और log 64 base 8 क्या होता है? शर्मिनारी, log 64 8, ये क्या होता है? Log square base 8, यानी कि 2 log 8 base 8, और log to the same base 1, यानी कि 2, यानी n square आएगा ये? Yes sir. और n square क्या theta of n power 4 है? No sir. Clear? Yes sir. क्वेश्चन में पाप मत करो, ये दोनों रब कर दूं? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट आए तुरंत फ्रैंकली पूछना, वो कहानी याद है ना, एक कहानी सुनाई थी मैंने कल? यस सर। मैं एल्गोरिथम पढ़ने जाता हूं, मैंने पैसे भी दे रखे हैं एंड सो ऑन। चलो लिखते ध्यान से सुनिए। हां बोलिए रहा क्वेश्चन नंबर 15, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 क्यों? 2 टू द पावर n क्या होता है? 2 टू द पावर 2n कह सकता हूं, 2 पावर n, 2 पावर n कैंसिल, एंड 2 पावर n इज थीटा ऑफ 2 पावर n। क्लियर? यस सर। यस सर। अब करते हैं फिर से इन क्वेश्चंस को, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नौ सुनिए ध्यान से। अरे माइक बंद कर लीजिए, इसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। नौ सुनिए ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 को, देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला, fn is big o of fn square, true or false? Now सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये ऊपर वाले और इधर पे ऊपर वाले, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से देखिएगा, वहां पे फंक्शन आपको as it is given था, exactly? Yes, sir. किस बात की नेगेटिव अप्रोच, कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, इससे देखो मजाक से हटके सीरियस मैनर में बताना, इससे ट्रू और फॉल्स, रौनक इस्माइल, अरे ट्रू, हेलो, यस सर, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं रूम में बैठा हूं, मेरे रूम में गेट लगा है, गेट के बाहर किसी पर्सन ने नॉक किया, उसका नाम है एक्स, क्लियर? नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्स इज मेल? सर कंडीशन के हिसाब, कंडीशन है सर इसमें, अरे ध्यान से सुनो क्वेश्चन, सुनो यार ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से, पता नहीं क्या घर व्यस्त की बातें शुरू कर देते हो, ट्रू फॉल्स का आंसर किसमें आएगा, इधर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा? यस सर। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने बोला स्टेट ट्रू और फॉल्स, रौनक इज मेल? ट्रू। अब सुनिए ध्यान से, मैं रूम में बैठा हूँ, रूम का गेट बंद है, रूम के बाहर एक पर्सन आता है, उसका नाम है एक्स, ठीक, मैंने आपसे पूछा स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्स इज मेल? False. क्यों? There is a possibility she can be female. Yes sir. Yes no. sir. Is it true or false? X is female. False. तो सुनिए ध्यान से, हो सकता है male हो सकता है female हो, लेकिन क्या हम as it is exactly बोल सकते हैं? No sir. नहीं बोल सकते, तो false होगा कि नहीं होगा? Yes sir. चलिए देखिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? Fn is big O of Fn square. ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए, उधर पे क्या था, फंक्शन एज इट इज गिवन था, तो किस बात की पॉजिटिव अप्रोच, किस बात की नेगेटिव अप्रोच? अब इन क्वेश्चन में फंक्शन हमारा f ऑफ n गिवन है, और f ऑफ n का मतलब क्या है, सम फंक्शन ऑफ n? यस सर। तो अब हमारी अप्रोच क्या होगी, नेगेटिव अप्रोच, मतलब हम स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? यस सर। फॉल्स प्रूफ करने के लिए मुझे एक एग्जांपल दिखाना होगा कि नहीं? लेकिन क्या मैं रिश्ता को दिखा के ये फॉल्स प्रूफ कर सकता हूँ?
नहीं कर सकता, अगर मुझे इसको फॉल्स प्रूफ करना है तो मुझे किसी मेल को दिखाना होगा. यस सर. देखिएगा मैंने बोला एफ एन इज बिगो ऑफ एफ एन स्क्वायर. ठीक, बिगो क्या होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू. अब मुझे मेरी अप्रोच क्या होगी, नेगेटिव अप्रोच. मतलब मैं क्या कोशिश करूंगा, इसको फॉल्स प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि नहीं. यस सर. अब अगर मुझे इसको फॉल्स प्रूफ करना है तो मुझे क्या दिखाना होगा कि कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि जिसके स्क्वायर से वो बड़ा हो जाए. हेलो. अब ध्यान से देखिएगा, एफ एन तो एफ एन है, एफ एन स्क्वायर मेरे ख्याल में एफ एन इंटू एफ एन होता है. Yes, sir. डायरेक्टली मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे एफ एन बचेगा. अब ये तो क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, जबकि ये क्या है सम फंक्शन ऑफ एन. अब ध्यान से सुनना, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, मैं कहने का मतलब देखो ध्यान से, मैं बता क्या रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ये भी पूछ सकता हूँ कि एफ एन ले लिया मैंने वन बाई एन, एफ एन ले लिया वन बाई एन. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एफ एन मैंने वन बाई एन लिया तो एफ एन स्क्वायर वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या वन बाई एन बिग ऑफ वन बाई एन स्क्वायर है? No, sir. नहीं है. 1 by n तो 1 by n square से बड़ा है, ये तो मैंने कल भी बताया था. लेकिन सुनिए ध्यान से, ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने पाप किया है. क्यों पाप किया है कह सकता हूँ, ये मैंने फ्रॉड किया है. ये एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, लेकिन रियलिटी में पेपर में ये एग्जाम्पल तो आपके माइंड ने जनरेट करना होगा. अभी भी नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना. मैंने अगर आपको बताया कि मैंने बोला इस स्टेटमेंट में मुझे नेगेटिव अप्रोच फॉल्स बनाना है, फॉल्स बनाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना है. नाउ मैंने क्या बोला, fn ले लिया 1 / n, तो fn स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 / n स्क्वायर. अब n 1 / n क्या बिग ऑफ 1 / n स्क्वायर है? नहीं है सर. ये फॉल्स. अब सुनिए ध्यान से, ये फॉल्स. मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? यस सर. लेकिन ये अप्रोच पाप है, ये कह सकता हूं ये फ्रॉड है. अप्रोच पाप नहीं है, ये फ्रॉड है. क्यों फ्रॉड है, मैंने आपको एग्जांपल तो दिखा दिया, लेकिन ध्यान दो क्या आप एग्जाम्पल क्रैम करने करोगे? नो सर. पेपर में ये एग्जाम्पल तो आपके माइंड को जनरेट करना आना चाहिए. yes, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या होगी कि आपका माइंड ये एग्जाम्पल जनरेट करके दे दे. ठीक है. चलो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, हमें क्या दिखाना है, एफ एन इज बिग ऑफ एफ एन स्क्वायर. एफ एन स्क्वायर क्या होता है, एफ एन इंटू एफ एन. एफ एन एफ एन मैंने कैंसिल कर दिया, ये बचेगा कॉन्स्टेंट, ये बचेगा सम फंक्शन ऑफ एन. यस सर. बोलो. अब ध्यान से सुनिएगा, ये बचा फंक्शन ऑफ एन. तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लूंगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा. अगर मैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन लूंगा तो एन की किसी भी वैल्यू के लिए इंक्रीज करता चला जाएगा कि नहीं? यस सर. तो कहने का मतलब है, जबकि अगर मुझे फॉल्स दिखाना है तो मुझे इसको ग्रेटर दिखाना है. तो मैं एफ एन को डिक्रीजिंग फंक्शन ले लू. यस सर. क्लियर है? अरे चाहे मैं fn 1 by n ले लूं, चाहे fn 1 by n square ले लूं, चाहे 1 by n cube ले लूं, कुछ भी ले लूं. Yes, yes. कोई डाउट? No, कह सकता हूं दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. अब सुनिए जैसे, अगर मैं बोलता कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा. केवल डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉल्स होगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा. तो वर्स्ट केस में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, तो फॉल्स बोलोगे. क्लियर सबको? यस सर. पहले ये लिख ली, जो भी जो कुछ भी लिखा है मैंने, फिर लिख लेना फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. ये तो अलग, ये तो फॉल्स आपने लिख ही लिया, मैंने कुछ भी गिवन नहीं दिया था. फिर मैंने बोला फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन लिखना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एन इज बिग ऑफ एफ एन स्क्वायर. फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन स्क्वायर. ओमेगा कह सकता हूं, बिगो नहीं होगा. क्लियर है? यस सर. लिख लीजिए. लिख लिया? ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि n इज नॉट ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉल्स. यस सर. सबको? यस सर. नाउ थीटा.
थीटा कब होता है? बिगो और ओमेगा दोनों, अरे दोनों ही नहीं है तो थीटा तो कोई चांस ही नहीं है. सबको नहीं है ना कोई डाउट? नो सर. चलिए चलिए, अब आप सबने तो मुझे ये बता दिया है, लेकिन मैं अब इसको करने की एक और अप्रोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. पहले ये रब कर दूं? यस सर. यस सर. यस सर. चलिए देखिए हमसे, बिगो के केस में मैंने आपको दिखा दिया ये फॉल्स है कि नहीं? Yes, क्या कह सकता हूं जो बिहेवियर हमारा बिगो का होता है रिवर्स मैनर में वही बिहेवियर हमारा ओमेगा का होता है? यस सर. तो कह सकता हूं yes, sir. का यूज किया मैंने, अगर बिगो के लिए फॉल्स तो ओमेगा के लिए भी फॉल्स, और अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स हुआ तो थीटा के लिए तो वैसे ही फॉल्स हो गया. यस सर. नाउ स्मॉल ओ के लिए मुझे देखना होगा, तो मैंने क्या किया, सेम डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया. यस सर. फॉल्स. अब जैसा बिहेवियर हमारा स्मॉल ओ का होता है सेम बिहेवियर हमारा स्मॉल ओमेगा का होता है. Yes, sir. तो अगर इसके लिए फॉल्स तो ये भी फॉल्स. क्लियर है? यस सर. कर दूं राव? यस सर. यस सर. अरे क्रिस्टल क्लियर है ना ये? यस सर. यस सर. नेक्स्ट वन. चलिए क्वेश्चन नंबर 16-20 अटेम्प्ट कर लिए ना सबने? जी सर. तो yes, सच? यस सर. चलिए बताइए राव, क्वेश्चन नंबर 16 ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू सर. फॉल्स सर. फॉल्स. फॉल्स होगा सर. फॉल्स. कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स? हाथ रेस करो जरा, जल्दी से हाथ रेस करिए फॉल्स वाले. नहीं सर. फॉल्स. हेलो, अरे मैंने बोला फॉल्स वाले हाथ रेस करिए. फॉल्स वाले हाथ रेस करिए. क्वेश्चन नंबर जो भी था हमारा उसके लिए फॉल्स वाले हाथ रेस करिए. नाउ मैं नाम ले रहा हूं और सुनिए जैसे जिसका हाथ रेस नहीं है ऑब्वियसली उसका आंसर ट्रू है. समझ में आ रहा है? यस सर. चलिए दम सिंह, नीरज, अक्षरा, जानवी ये क्या कर रहे हो? मतलब अपने कुछ नहीं मिला तो हाथ के साथ खेलना शुरू कर दिया, कभी ऊपर कभी नीचे, क्यों जानवी? नो सर. तो ये क्या कर रहे हो, कभी ऊपर कर रहे हो कभी नीचे कर रहे हो? नहीं सर मैंने नहीं किया. अच्छा अच्छा. अक्षरा आप? नहीं अक्षरा खेलो खेलो, आप ही कहां थे ऑब्वियसली. सुनो ध्यान से. हाँ सुनिए ध्यान से, दम सिंह, नीरज, अक्षरा, नई कंटेंडर भूमिका. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. दिस इज फॉल्स. नाउ सुनिए ध्यान से, बाकी सब पाप है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जल्दी से मुझे बताइए एग्जाम्पल. बोलो एग्जाम्पल. सर लोग. सर हमारा एफ एन फंक्शन होगा. क्या ले लूं? वेरी वेरी गुड सर. लॉग 4 बेस 2. एक सेकेंड. मनी वेरी वेरी गुड. तो आपने हाथ क्यों नहीं रेस किया था? हाँ चलो चलो. हाँ सुनी से कौन बोल रहा था? ये इधर पे बोल कौन रहा था बोलिए. अरे मैंने बोला कि फॉल्स प्रूफ करने के लिए एग्जांपल बताइए कि एफएन क्या ले लूं, जीएन क्या ले लूं, बोलो. हेलो मेरी आवाज आ रही है? 5 and 6 लेके आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए ना. हेलो हेलो, क्या कर रहे yes, हो sir. अरे सुनिए ध्यान से, जिसने बोला है ये स्टेटमेंट फॉल्स वो मुझे एग्जांपल दो. मनी ने एग्जांपल दे दिया है, कोई और एग्जांपल दो. फॉल्स प्रूफ करने के लिए मुझे एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो sir.
एक सेकंड पहले मुझे ये बताइए मैं क्या स्पीड में चल रहा हूँ क्या? नो सर। कंफर्टेबल हो मैं स्पीड के साथ? यस सर। चलिए बताइए जरा जल्दी से फॉल्स के लिए मुझे एग्जांपल बताइए। देखो बोल ही नहीं रहे हो आप। चलो सुनो ध्यान से, मनी ने एग्जांपल दिया है, मनी वेरी वेरी गुड, कोई एग्जांपल नहीं बता रहा है, सुनो ध्यान से, नेक्स्ट टाइम से भूल के भी फॉल्स मत बोल देना अगर आपके पास एग्जांपल नहीं है उसका। सुन रहे हो नीरज, अक्षरा? यस सर। भूमिका? नाउ देखिए ध्यान से, सुनिए अब मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल मुझे मिल चुका है, मुझे मनी ने एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि सर एफ एन ले लो आप एन, ए फोर एन और जी एन ले लो आप एन, ठीक है? तो अब सुनिए जैसे फोर एन इज बिग ऑफ एन, ट्रू और फॉल्स? यस सर। ट्रू। नाउ टू टू द पावर एन इज बिग ऑफ टू टू द पावर एन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यानी कि हमने दिखा दिया fn is big O of gn है, लेकिन 2 to the power fn is not big O of gn, यानी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि नहीं? Yes. कोई डाउट? सर क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ें? यस सर। पाप शर्म नहीं आ रही, सुनो ध्यान से, मनी ने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया, तीन तीन बार पूछा, कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट? सुनो ध्यान से बेटा, ये जो आप कर रहे हो ना, यही अप्रोच है जिससे आपके साथ फ्रॉड होता है। अब सुनो ध्यान से, आप सबने क्लियर बोला, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं भी करूं तब भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आप ही ने क्लियर बोला। Yes, sir. थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड ये एग्जांपल कैसे जनरेट करे। इसमें सबसे बड़ा डाउट ये आना चाहिए कि सर हमारे माइंड में ये चीज कैसे आएगी, नहीं आना चाहिए। हेलो? यस सर। यस सर। डाउट क्यों नहीं पूछते हो? समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया सर? नहीं कुछ नहीं, एग्जांपल ही समझ नहीं आया, अब आ गया। अरे एग्जांपल समझ में आए चाहे ना आए, अप्रोच तो अभी भी किसी को क्लियर नहीं है क्योंकि आप सब एग्जांपल से चीजें कर रहे हो। सुनो ध्यान से, सपोज ऑल ह्यूमन, अब ये तो मैंने इतना सिंपल एग्जांपल दे दिया प्रैक्टिकल लाइफ से, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही समझ जाते हो कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर मेल, अगर मुझे फॉल्स करना है एक फीमेल को दिखा दूंगा। अब आप जेंडर के साथ ऑब्वियसली मैं जानता हूं कंफर्टेबल हो, इसलिए आप रीजनिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में नहीं आएगा कि जैसे सुनो ध्यान से, एक छोटा बच्चा है, सपोज एक दो साल का बच्चा है, ठीक है, उससे पूछा गया ऑल ह्यूमन बीइंग आर मेल, वो भी फॉल्स बोलेगा, लेकिन उसको ये ध्यान में सोचना होगा ना कि फॉल्स प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा। हेलो? तो क्वेश्चन, तो माइंड का क्वेश्चन ये है कि फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। और सुनीता से मुझे जो भी आंसर चाहिए वो वर्स्ट केस के हिसाब से चाहिए कि बेस्ट केस के हिसाब से? यही जो आपको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, जितने लोग सिंसियरली अटेम्प्ट करेंगे, बता रहा हूँ जिस दिन एल्गोरिथम की क्लास ओवर होगी, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माइंड पे इम्पैक्ट जनरेटेड इम्पैक्ट दिखाई दे जाएगा। या फिर मुझे बता दो नॉलेज के लिए बैठे हो इधर पे? No, sir. तो बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करिए, बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करिए, दो मिनट का, एग्जैक्टली दो मिनट का टाइम दे रहा हूं।
हो गया। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, यस सर। चलिए सुनिए जानते, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। चलो देखो जानते, अब आपने अटेम्प्ट कर लिया, मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आपसे अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, मैं वर्स्ट केस के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। जिसका आंसर करेक्ट भी है, मनी आपका आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं उस क्वेश्चन के लिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ, मैं लॉजिक के लिए एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ताकि सारी की सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी उसमें कवर हो जाए। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना जरा, एल्गोरिथम हटा दो, मुझे एल्गोरिथम नहीं आती, मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ उसका मुझे आंसर बताइएगा। सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मैंने आपसे बोला इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, मैंने बोल दिया ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। हेलो, यस सर। अब बताना जरा, सपोज अगर आपने हार्ड वर्क किया, इसका मतलब हार्डवर्क नहीं किया, सक्सेस नहीं मिलेगी, पाप, हो सकता है मिले या ना मिले, हो सकता है मिले, मिल सकती है, कुछ नहीं पता। अरे सुनो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मतलब अगर आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो नहीं पता, मे बी आप लकी हो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सक्सेस मिली इसका मतलब हार्डवर्क किया भी हो या नहीं किया। हाँ तो डायरेक्टली बोलो, नहीं पता, नहीं हो सकता है हार्डवर्क किया हो, सकता है नहीं किया हो। Yes, sir. Now, अगर सक्सेस नहीं मिली इसका मतलब नहीं किया। हेलो, यस, अगर सक्सेस नहीं 100% है, हार्डवर्क नहीं किया, कोई डाउट? नो सर। ये क्लियर है सबको? यस सर। सुनिए जानती, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला अगर मैं रौनक को मारकर मारूंगा तो रौनक रजनीकांत बन जाएगा, क्लियर? हेलो यस सर। अरे हंसो नहीं, सुनो ध्यान से, मैं लॉजिक गेम बता रहा हूँ आपको, चलो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये बचपन से आपके साथ सेवरल टाइम्स हुई है कि नहीं हुई है? मुझे ये बताओ जरा, डायरेक्टली बता दूं कि रियलाइज कराऊं कि ये जो चीज मैं पूछ रहा हूँ ये आपके साथ पहले हो चुकी है पास्ट में? अब ध्यान से रिलेट करना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन की रीजनिंग किसी को नहीं आ रही है ना तो वो बहुत बड़ा पाप है। अब सुनिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से, बचपन से लेके आज तक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीटेक की ही बात करूं या अभी की बात करूं, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स आए होंगे, और फ्रेंड तो बोलना सही नहीं होगा, बहुत सारे पर्सन आए होंगे जो आपसे गंदे गंदे स्टेटमेंट बोलते होंगे, गंदे गंदे स्टेटमेंट इन द सेंस ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ITJEE का पेपर दिया, आपका नहीं निकला ITJEE, क्लियर? तो इस टाइप का स्टेटमेंट बोलते होंगे वो लोग, अच्छा नहीं निकला, अगर मैंने दिया होता तो 100 out of 100 लाता, AIR 1 लाता, पेपर फोड़ देता, एंड सो ऑन। हेलो, यस सर। अरे ऐसा हुआ है कि नहीं, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम का पेपर दे रहे हो, सपोज आप कितना भी स्कोर करते हो आपका CGPA 7 चलता है यार। हेलो, यस सर। हाँ सर, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बगल में, इसलिए मुझे बार बार क्लास फ्लो खराब हो रहा है क्लास में। एक काम करते हैं, सुनिए जानसी, कल से 4 बजे से आ सकते हो? क्या चीज सर? 2 से 4 लैब रहती है। हाँ तो 4 बजे से बोल रहा हूँ ना मैं सर, पूरे सर कंटिन्यूस क्लास हो जाता है 7:30 बजे से लेके पूरे 7 बजे तक। अरे बेटा कॉलेज पढ़ते तो नहीं होगे, ये तो मुझे पता ही है सर। मिस्टर सर लेट कर लीजिए, चलो 4:30 से आ सकते हो? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सुनो ध्यान से, आज मैं सर से बात कर लूंगा, क्योंकि देखो मैं क्लास खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चीजें बताने जा रहा हूँ मैं इधर पे, क्वेश्चन से मेरा इशू नहीं है, मेरा फोकस ये है कि आपका माइंड शार्प हो, और उसके लिए
परमानेंट ये जो ड्रिलिंग हो रही है बगल में ये मुझे इरिटेट कर रही है। हेलो यस सर। तो आज सेशन इधर ही पे रोकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को सिंसियरली करिएगा ठीक है। कल की क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन हम फिर से करेंगे और फिर मैं आपको वो कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगा और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को शर्म आएगी ही आएगी। गलत बोल रहा हूँ ना मैं सर? हेलो हाँ सर। इसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, मैं ये बताऊं। क्या नाम है आपका जिसने बोला गलत बोल रहा हूँ मैं? नाम बताऊंगी सर मैं। बोल रहे हो सर, मैं तो ये बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, क्या क्वेश्चन था पूछिए जरा। क्या कोई पूछ रहा था ट्रू होगा क्या होगा? सर ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? किसका? 16 का? यस 16। अरे बेटा मैंने बताया तो था क्वेश्चन देने के बाद मुझे कुछ भी पता होता है। अरे ऐसा मत करो सर, कोई हिंट तो दे दो। अरे शर्म नहीं आ रही, बता चुका हूँ फॉल्स मनी को, वेरी वेरी गुड बोल चुका हूँ, उसके बाद में फिर से पूछ रहे हो। और मैंने एग्जांपल मनी का दिखा भी दिया था, समझा भी दिया था। सर आपने पाप बोला था उसको। अरे सुनो ध्यान से, मैंने उसके मनी हो इधर पे। अरे मनी, हेलो मनी, मैंने आपके आंसर को पाप बोला था क्या? नहीं सर। तो ये जिसने भी बोला पाप बोला था उससे बोल दो जल्दी से, शर्म नहीं आ रही। सुनो ध्यान से, कल की क्लास में आना तो सुनिए ध्यान से, तीन चीजें लेके आना। क्या क्या? आंखें, कान और दिमाग, माइंड, और वो चलने चाहिए। चलो सुनो ध्यान से, फालतू में अब जब क्लास नहीं ले रहा हूं तो टाइम वेस्ट मत करिए, सिंसियरली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर फॉल्स है कि नहीं है। हेलो यस सर। हम कल देखेंगे इसका आंसर फॉल्स है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर क्या है। आज मैं पढ़ूंगा, कल आपको बताऊंगा। क्लियर है? अरे मैंने बताया नहीं था क्लास के बाद मैं पढ़ने जाता हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। चलो फिर कल मिलते हैं। सही है सर। कल 4:30 में मिलेंगे हम। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।